हेलो एवरीवन वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आई एम आस्था सिंह एंड वी आर बैक तो आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि यहां से शुरू हो रही है दैट इज़ इंडिया स्टेपिंग टूवर्ड यू सी सी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है सो बेसिकली आसाम ने अभी रिसेंटली कैबिनेट ने बात करी है नाइन ईयर्स ओल्ड मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को रिपील करने की अब आप देखो ये एक्ट बहुत पुराना है 89 नाइन ईयर्स ओल्ड एक्ट है लेकिन उसे रिपील करने की बात करी गई है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बताए गए हैं जिसमें से पहला रीज़न आसाम गवर्नमेंट ने यह दिया है उन्होंने कहा है कि एक तो ये आज के जो जनरेशन का समय है उसके हिसाब से मैच नहीं करता है आज के लाइवलीहुड के हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से मैच नहीं करता है और उसी के साथ साथ ये हेल्प करेगा टूवर्ड्स करबिंग द चाइल्ड मैरिजेस तो यहाँ ये दो चीज़ें असम गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई हैं और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे रजिस्ट्रार्स हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रार इज 94 तो वो रजिस्ट्रेशन का काम करते थे इस एक्ट के अंडर यानी कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट तो अब उस एक्ट क्योंकि ये एक्ट रिपील हो जाएगा तो उनका काम भी वहीं से रजिस्ट्रेशन का खत्म हो जाएगा तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने असम गवर्नमेंट ने बात कही है क्योंकि वो अपना लाइवलीहुड इसी के थ्रू चला रहे थे तो अब उन्हें दो लाख का कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा तो आइए इस पूरी चीज को इन डेप्थ में समझते हैं थ्रू स्लाइड्स एंड लेट स्टार्ट आर वीडियो सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द असम कैबिनेट हैज ओल्ड मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर जयनंत मल्ला बुरा अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे कॉलिंग द मूव अ बिग स्टेप टूवर्ड्स कर्बिंग चाइल्ड मैरिजेस तो देखो अब यहाँ पे कर्ब करने की बात करी गई है चाइल्ड मैरिजेस को एंड अचीविंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड यू सी सी यानी कि वन लॉ फॉर वन नेशन ही एडेड दैट नाउ ऑल मैटर्स पोटेनिंग टू मुस्लिम मैरिजेस एंड डेवोर्स वुड बी टेकन केयर ऑफ अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट तो देखो क्योंकि अब जो क्योंकि ये एक्ट जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट ये रिपील हो जाएगा तो अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा ऐसी मैरिज का उनका रजिस्ट्रेशन होगा स्पेशल मैरिज एक्ट में द मूव कम्स लेस देन थ्री वीक्स आफ्टर उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास द यू तो अभी हमने रिसेंटली ये जाना भी था कि उत्तराखंड ने सबसे पहले यू की बात कही थी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये बिल पास करा था अपने स्टेट में और उसके बाद में प्रेजेंट करा था ये बिल और अब उसी के बाद में कैबिनेट ने इसकी बात करी है किसकी यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड द स्टेट मिनिस्टर सेड द कैबिनेट फेल्ट इट was necessary टू रिपील द एक्ट एज इट was ओल्ड एंड didn't मैच विद today's सोसाइटल नॉर्म्स तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो क्या है

तो उनका क्या है लाइवलीहुड चलता है इससे बेसिकली देयर अथॉरिटी वुड सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर फॉर द सेम बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज तो जैसे ही ये एक्ट रिपील हो जाएगा तो वो रजिस्ट्रार्स नहीं रहेंगे और फिर उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी जो कि इस प्रोफेशन uh, से चलती है सो सिंस दीज पीपल वर अर्निंग लाइवलीहुडिस्टरिंग मैरिजेस एंड स्टेट कैबिनेट है ऑफ रुपीज टू लैक्स इच ही एडेड तो बेसिकली ये है जो कि, कि किसने पास करा है इस चीज को किसने बात करी है रिपील करने की आसाम गवर्नमेंट ने किस चीज़ को मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को जिसके थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रार्स को कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा जब उनका लाइवलीहुड का जो चीज़ है वो खत्म हो रहा है क्योंकि ये एक्ट रिपील हो जाएगा तो उन्हें कॉम्पनसेशन भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा ओके okay एवरीवन तो आज के वीडियो का बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट हमने अभी समझ लिया एंड आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव था अब असम कैबिनेट ने ये जो बात करी है रिपील करने की 89 नाइन ईयर्स ओल्ड मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को आपको ये बात कैसी लगती है एंड डू यू बिलीव दैट इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स यू क्लोजर टुवर्ड जू सी सी तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आई रियली होप दट दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू फॉर मोर सच वीडियोज़ डू नॉट फॉर्गेट टू फॉलो एम्बीशन लॉ इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग